और वहीं आपको बताएं कि विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आ रही है। यूपी में गठबंधन के साथ लड़ने की तैयारी में विपक्ष है। तो जो लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया गठबंधन, अब ऐसी तैयारी विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी कही जा रही है, जो कि विपक्ष ने की है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर मंथन जारी है। 10 में से 3 सीटें मांग रही है कांग्रेस पार्टी। तो अब ये दो जो लड़कों की जो जोड़ी है, ये अब आप विधानसभा में भी साथ चलते हुए देखेंगे। लोकसभा चुनाव में आपने इस गठबंधन को फायदा होते हुए देखा है, अब देखिए यही फायदा पाने की फिराक में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी साथ में आते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हैं, जिसमें 3 सीटें मांग रही है कांग्रेस पार्टी। 10 सीटों पर विधानसभा की वो सीटें हैं जिन पर विधायक सांसद बन चुके हैं, ये सीटें खाली हैं अभी, इनके ऊपर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 4 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, 3 सीटें बीजेपी की हैं और बाकी की सीटें जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों की हैं। अब ऐसे में यही देखा जाना जरूरी है कि जो मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है 3 सीटों की, क्या समाजवादी पार्टी उनको वो 3 सीटें देती है या फिर नहीं, क्योंकि ये गठबंधन यूपी में अब जो बेजोड़ साबित होने की बात कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव और राहुल गांधी करते हैं, उस पर देखना ये जरूरी होगा कि 3 सीटें जो मांगी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो सीटें उनको दी जाती हैं या फिर नहीं। तो आपको बता रहे हैं वो सीटें जिनके ऊपर उपचुनाव होना है। विधानसभा का उपचुनाव गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मझवा, करहल, कटहरी, मिल्कीपुर, कुंदरकी, सीसामाऊ, मीरापुर, ये वो सीटें हैं जहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं।